बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ करंगी 6 नंबर मार्केट की। उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, तो चलें देखते हैं फुल वीडियो और इन्जॉय करते हैं। ये मैं सबसे पहले यहाँ एक रेडीमेड की शॉप पर आई थी, इनके पास ये रेडीमेड कपड़े थे और प्राइसेस साथ में शो हो रहे हैं, ये आप इजीली देख सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी रेडीमेड सूट्स की, इन 2 पीस सूट्स थे इनके पास, शर्ट और ट्राउज़र, और ये सब विंटर कलेक्शन में थे, सब मोटे स्टफ़ में थे, सर्दियों के हिसाब से थे। तो आप लोग देख सकते हैं इजीली, इनमें कुछ कपड़े एम्ब्रॉयडर्ड भी थे और कुछ प्लेन भी थे, और कुछ जो हैं वो बड़े स्टाइलिश से थे जैसे आजकल ट्रेंड में हैं इस किस्म के, तो आप लोग ईज़िली देख सकते हैं। ये जो अभी आप कुर्ता देख रहे हैं ये बहुत स्टाइलिश सा था, और इसकी बैगी स्लीव्स थी और बहुत खुला डुला सा था और बहुत स्टाइलिश सा था, तो ये भाई बता रहे थे कि आजकल ट्रेंड में है। अच्छा, इनकी शॉप जो है वो अभी न्यू स्टार्ट हुई थी, इन्होंने अभी न्यू ओपनिंग की थी, तो इसलिए इनका कार्ड वगैरह नहीं था प्रॉपर। इनकी शॉप का नाम था अबान क्लॉथिंग हाउस, तो अगर आप लोग विज़िट करें तो अबान के नाम से जो है सर्च कर लीजिएगा, इनका कार्ड वगैरह नहीं था फ़िलहाल। अच्छा, फिर मैं इसके बाद ये एक और शॉप पर आ गई थी, इनके पास पर्स और बैग्स थे हर किस्म के, हर साइज़ के और डिफरेंट रेंज के, तो प्राइसेस साथ में शो हो रहे हैं, आप लोग इजीली देख सकते हैं, और क्वालिटी वाइज इनके अच्छे थे बैग्स। ये ऑनलाइन भी काम करते हैं, और इनका भी इन्होंने कार्ड शो नहीं किया था, लेकिन इनकी शॉप का नाम था सोरा बैग्स एंड पर्स, तो आप इस नाम से इनकी शॉप को सर्च कर सकते हैं करंगी 6 नंबर मार्केट में। अच्छा, ये 2000 वाले जो बैग्स हैं ये बहुत अच्छे थे, लेकिन भाई ये कह रहे थे कि ये मज़ीद ये कमी कर देंगे प्राइसेस में जब कस्टमर आएंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 850 रुपये की सेल लगाई हुई थी, ये बैग्स भी बहुत अच्छे थे, ना बहुत छोटे थे साइज़ में ना बहुत बड़े थे, मीडियम साइज़ में थे, लेकिन अच्छे थे ये पर्सेस। ये वाले बैग्स जो हैं ये 1800 में थे, ये भी बहुत अच्छे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, और इनमें से अक्सर जो हैं वो ब्रांड्स की कॉपीज़ थे, फर्स्ट कॉपी ना। Thank you.
नेक्स्ट मैं ये एक शूज़ की शॉप पर आ गई थी, ये इनका एड्रेस है और इनके पास फैंसी कलेक्शन भी था और कैजुअल यूज़ के भी शूज़ और स्लीपर्स वगैरह थे। तो ये आप लोग इजीली देख सकते हैं, इन सब के भी प्राइसेस मेंशन हैं। अच्छा, इनमें से अक्सर जूतों के जो हैं वो दो और तीन कलर थे, तो आप लोग इजीली वीडियो में देख सकते हैं कि दो तीन कलर्स में जो है वो आपको एक सैंडल मिल जाएगा इजीली। फिर ये इसके बाद मैं नेक्स्ट शॉप में आ गई थी, ये इनका कार्ड शो हो रहा है। इनके पास बच्चों की कलेक्शन थी, बेबी और बाबा दोनों की। तो ये कुछ जैकेट्स वगैरह थी इनके पास, इसके भी प्राइसेस शो हो रहे हैं। शर्ट्स थी इनके पास और पैंट्स थी, जीन्स थी और इसके अलावा इनके पास हुडीज थी और गर्म ट्राउज़र थे, आप लोग ईज़िली देख सकते हैं। ये इनके पास बिल्कुल जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं ना, उनके कपड़े भी थे और ये 700 में थे, 3 पीस और 4 पीस, इनमें टोपास वगैरह भी थे। ये 500 की शर्ट्स थी विंटर कलेक्शन में और ये इनके सारे कलर्स और डिज़ाइन वगैरह थे। इसके अलावा ये एक 600 रुपये में बेबी फ्रॉक थी और ये कुछ रेंज है 500 से लेकर 700 तक, ये सब बेबी गर्ल्स के कपड़े हैं, बेबी गर्ल्स की फ्रॉक और मतलब टॉप वगैरह हैं। फिर ये इनके पास टाइट्स थे, ये जस्ट 350 रुपीज़ में थे। इसके अलावा ये गरम पजामे थे इनके पास, ये भी ये जस्ट 500 रुपीज़ में थे। ये फ्लैपर था, ये भी 500 रुपीज़ में था।
फिर ये इन्होंने साथ ही 500 रुपीस में सेल लगाई हुई थी, ये सब बाबा सूट्स थे 500 रुपीस में, और सब विंटर के हिसाब से थे, विंटर कलेक्शन में थे, हुडीज़ के साथ भी थे, स्वेट शर्ट्स के साथ थे, और जस्ट 500 रुपीस में थे। ये इनके बेबी गर्ल्स के सूट्स थे और ये जस्ट 500 रुपीस में थे। फिर ये इनके कुछ टॉप्स थे स्टाइलिश से, ये जस्ट 700 रुपीस में थे, इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।